أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرصا وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات الله عليه وسلم ظاہر ہے کہ یہ منحوس وبا اور بیماری جس کے ساتھ منحوس اور دشمن انسانیت کے فریب جس سے آپ سب لوگ متاثر ہیں لیکن اس حالت میں بھی محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کی عقیدت اور اخلاص میں یہ جمع ہونا یہ آسان کام نہیں کہ جس کا اجر سوائے اس کی ذات کے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے کہ یہ مجلس بہت ہی آپ کے دل کے جذبات اور ان مرحوم کی خاص طور سے دلی عقیدت کے لیے ہے کہ خود ایصال ہو جائے ان کو, اور میں اپنی دیرینہ عادت کے مطابق کہ خود مرنے والوں کا تذکرہ منبر سے نہیں کرتا سوائے محمد و آل محمد کے, ظاہر ہے کہ جو کہ محتاج ہوں تعارف کے, لیکن یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ محتاج تعارف ہو. خود یہ دو بزرگوار کے ذات اور زندگی روشن و واضح اور معروف مشہور دلوں میں بیٹھی ہوئی, تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جو محتاج ہوں ان کے لیے بھی نہیں کہتا ممبر پہ آنے کے بعد, تو اس لیے کہ ممبر صرف علی کے لیے ہے. اور یہ ممبر بنایا ہی گیا ہے غدیر میں,
इसलिए कि अली इब्ने अबी तालिब को दिखाना था, उनको पहचानवाना था, उनकी मारफत करवानी थी, तो रसूल ने हुक्म दे दिया मिंबर का। मिंबर मखसूस है। अब उनसे मुतालिक जितनी बातें हैं वो सब मिंबर से होंगी। अब वो जिसको खुदा मान रहे हैं तो जाहिर उस खुदा का जिक्र जो है मिंबर से होगा, जो इसलिए कि उन्होंने ही ऐलान किया है कि हम किस खुदा के मानने वाले हैं और किस खुदा के जानने वाले हैं। तसव्वुरात आपके कुछ भी रहे हों, आप अपने अवहाम से बशरियत इतने ज़्यादा अंबिया औलिया औसिया तशरीफ़ ले आए, पहचानवाए बताए, मगर उसके बावजूद सब ने अपनी ही तस्वीर कायम की खुदा के बारे में। किसी ने न नबियों की सुनी, न औलिया की सुनी, न औसिया की सुनी, न रसूल की सुनी। जिसके जो समझ में आया उसने अपनी तस्वीर खुदा के लिए कायम कर दी। और अली इब्ने अबी तालिब ने बताया कि जितना ही सोचते समझते और बुलंदी का एतराफ़ करते चले जाओ, बनाते चले जाओ, ये सब सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है, अल्लाह कहीं इससे भी ज़्यादा अकबर है, मावरा है, बुलंद बरतर है। जो आप समझ रहे हैं वो आपकी तस्वीर है और आपने मुसव्वर कर दिया है, आपने महदूद कर दिया है, और जो महदूद किया उसने अल्लाह को न पहचाना, ने अल्लाह को न जाना। तो सही मानों में मारफत खुदावंदी अगर कोई कर सकता है, हालत इम्कान में, कुव्वत इम्कान में, तो सिर्फ ज़वात मोहम्मद व आल मोहम्मद हैं कि जो हकीकी मानों में मारफत खुदाबंदी वही कर सकते हैं और वही बयान भी कर सकते हैं। उन्हीं में कुव्वत व ताकत है, इसलिए कि बयान का ताल्लुक ज़बान से है और ज़बान का ताल्लुक अफकार से है और अफकार का ताल्लुक अक्ल से है और अक्ल का ताल्लुक कल्ब से है। जब तक ये साफ और पाकीज़ा और बुलंद और बरतर और बेहतर ना हो, उस वक्त तक ना अफकार साफ़ी होंगे और ना ही पाकीज़ा होंगे और ना ही बयान में जिला आएगा। बयान जो है वो खुद मौलाई ने फरमाया कि ज़बान जो है आईना कल्ब है। पता चलता है ज़बान खुली तो मालूम हो गया कि आप कौन हैं और कहाँ के हैं, क्या फ़िक्र रखते हैं, क्या तरीक़ा गुफ्तगू है। और इसीलिए अल्लाह ने दूसरी अजमत इल्म के बाद बयान ही को दी है, अल्लमल क़ुरान वाल्लमहुल बयान। ज़ाहिर है कि बयान बाद में सिखाया है, इल्म पहले दिया है, कि इसलिए कि जो दिया है उसे अब ज़बान पे आना चाहिए, तो ज़बान दी और ज़बान के साथ बयान दिया। तो अब ये सब जो है वो सिर्फ उन्हीं को ज़िबा है, उन्हीं के पास है, उन्हीं का कलाम, उन्हीं के अल्फाज, उन्हीं के मानी व मतालिब और उन्हीं के लिए है। गरचे हिदायत है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन कौन समझता है, कौन जानता है। अल्लाह ताला खल्क किया बनाया सिर्फ इसलिए कि उसको पहचाने और उसको पहचानवाएं। पहचानना और पहचानवाना ये दो काम है, इसीलिए बयान दिया, पहचानने के लिए इल्म दिया। जब इल्म होगा जानेंगे तो धीरे धीरे जानने से पहचानेंगे।
और जब जान होगी थोड़ा थोड़ा, जान तो आप भी रहे हैं, देख रहे हैं सूरत, जान रहे हैं कि एक बशर है, एक इंसान है, सर पे अमामा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा आलिम होगा, बस इससे ज़्यादा क्या। लेकिन पहचानेंगे तो तब, जब रहेंगे साथ सालों, जब आदात व अतवार व रफ्तार व गुफ्तार और चीज़ों से वाकफियत पैदा करेंगे, जुज़ियात जानेंगे धीरे धीरे, तब पहचानेंगे। और फिर इस पहचान में जो हमारे आदात व अतवार व रफ्तार व गुफ्तार जो दुनिया देख रही है और देखेगी, उसी से पहचानेगी धीरे धीरे। तो जिसको अच्छा लगा वो अच्छी पहचान रखेगा, जिसको बुरा लगा वो बुरी पहचान रखेगा। अब दोनों एक ही बात कहेंगे। अगर आप पूछिए कि पहचाना इन्हें, तो वो भी कहेंगे हाँ हाँ, हम तो इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा सालहा साल का राबिता है, अरे हम तो बहुत करीब से जानते हैं। और अगर ज़रा सा तल्ख तजर्बा हुआ उनका हमसे, अच्छा इनको कौन पहचानेगा। तो इबारत तो एक ही है मगर अंदाज फर्क कर रहे हैं, और यही अंदाज बता रहे हैं कि इनकी हालात ज़िंदगी क्या है और ये किस तरह के हैं। अब मैं किसी को कुछ न कहूँगा, दुनिया में हर फर्द ऐसे ही पहचाना जाता है, ऐसे ही जाना जाता है। तो आपने पहचान लिया कि पहचान किसे कहते हैं, और आपने जान लिया कि जानना किसे कहते हैं। तो जानना और पहचानना, और जैसे ही आप पहचानते चले गए, वैसे ही मानते चले गए। जब जब आपको पहचान पैदा हुई और आपकी पहचान अच्छी हुई, नज़दीक हुई, तो जैसे जैसे पहचानते गए वैसे ही मानते गए। जानने का नाम इल्म है, पहचानने का नाम मारिफत है। और इसी तरीके से जानने पहचानने से जब मानने लगे आप, तो मानने का नाम ईमान है। अब आप ईमान ले आए, मानने लगे आप, और इसी मान में और इसी मारिफत और पहचान में जितनी पुख्तगी पैदा होती चली गई, वैसे वैसे यकीन बढ़ता चला गया। और जब यकीन अपने मंजिल उरूज को पहुंचा, तो इस नफ्स को इत्मीनान पैदा हो गया कि जो पहचाना था सही पहचाना था, जो जाना था सही जाना था, और जो ईमान ले आए थे सही ईमान ले आए थे। जैसे ही नफ्स को पुख्तगी पैदा हुई और इत्मीनान आया, वैसे ही उसने कहा नज़रों के सामने से पर्दे हटते जाएं, तब भी मेरे जर्रा बराबर फर्क नहीं आने वाला यकीन में। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस जुमले ने इस बात को बताया कि हम किस तरीके से मुतमईन हैं। अगर पर्दे हट भी जाएं तो हमारे जर्रा बराबर यकीन में फर्क नहीं आने वाला है। जो खत कायम हुआ है वो कायम रहेगा, ये कौन कह सकता है। पर्दा पड़ा हो, उधर कोई बैठा हो, इधर कोई देख रहा हो, वो पहले से देखे हुए हो। अब आप चाहें वो लाख पर्दे हटते रहें पड़ते रहें, वो कहेगा जो मैंने देखा है, वही सूरत, वही शक्ल, वही शबाहत, अल्लाह अकबर। और अगर उधर वाला कहीं ये कह दे कि इसकी सूरत मेरी सूरत, इसकी शक्ल मेरी शक्ल, इसका हाथ मेरा हाथ, इसका कदम मेरा कदम, इसका पहलू मेरा पहलू, इसका नफ्स मेरा नफ्स, इसका चेहरा मेरा चेहरा, इसकी जबान मेरी जबान, तब मैं तो कहूंगा दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं, अपने ही को देखता रहे। अब अगर वो सजदा करके न बताता कि खुदा कहाँ है, या लिया पर लाखों सलाम जाने फिदा, कि सारी कयामत सारी कुदरत हाथ में रखने के बाद उसी अल्लाह का एतराफ है और उसी के लिए सजदा है, उसी की मारिफत है, और उसी की मारिफत करवाते जाते हैं, बताते जाते हैं कि इसलिए पैदा ही इसलिए किया है,
ये उसको पहचाने। एक सलावत पढ़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद, पैदा ही इसलिए किया है कि उसको पहचाने। अन्नमा खलक तुम अन आफा हसिब तुम अन्नमा खलक तुम, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुमको हमने अबस पैदा किया है, तुमको हमने ऐसे ही पैदा कर दिया बेहुदा और बातिल, और तुम हमारी तरफ पलट के नहीं आओगे। पताल अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम। अभी सब मिली हुई बातें हैं, तुम पहचान लो जान लो, गलत नहीं पैदा किया, बातिल नहीं पैदा किया। गरचे अल्लाह बहुत बुलंद है, तुम्हारी फिक्रें वहां तक न पहुंचेंगी, तुम वहां तक नहीं जा सकते हो, बहुत बुलंद है, बादशाह है, यगाना है, हक है, जर्रा बराबर उसके हक में शक न करना। और फिर उसके बाद वही जो है तमाम कायनात का मालिक है, और वही जो है जुल अर्शिल अजीम, साहिब अर्श अजीम है। तो क्या तुम समझ रहे हो कि ऐसे ही खल्क कर दिया गया, तुमको किस लिए बनाया गया? अब दुनिया भर के तमाम बातें जो हैं उनको समेट करके आयात और रवायात में एक आयत सामने कर दी जाती है, और वाजे है, रोशन है कि हाँ बिल्कुल बनाया इसलिए है कि उसकी इबादत की जाए। मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उनका इस आयत का जवाब ये आयत है। आपको सवाल वहाँ से मिला, जवाब यहाँ से है। अब जब उसने कहा कि हमने खल्क नहीं किया मगर सिर्फ इसलिए कि मेरी इबादत करें, तो अब इबादत के मानी है कि खिलकत का पहलू जो है आपका वो ऐसा है कि ऐसी इबादत हो कि हर वक्त मकसद और गरज खिलकत अदा हो रही हो। जब पैदा इसलिए किया है कि उसकी इबादत हो, तो हर वक्त हर आन हर लम्हा हर वक्त सिर्फ मकसद खिलकत और गरज पूरी हो रही हो। चले हम इबादत करते हैं, अगरचे मैं बार बार कहा करता हूँ पूरे दुनिया में मजालिस में कि समझते रहें इबादत करें। उन्होंने कहा दौड़िए, अजान हो गई, सजदे में चले जाइए, नमाज पढ़िए, इसलिए कि ये इबादत है अल्लाह की। और फिर उसके बाद उनका हज करिए, ज़कात दीजिए, खुमस दीजिए, जहाद कीजिए, रोज़े रखिए, ज़कात दीजिए, ये सब इबादत हैं। अजीज़म बहुत वक्त नहीं लेना चाहता, ये इबादत नहीं हैं, ये सब ज़रिया इबादत हैं, ये इबादत नहीं है, ये सब ज़रिया इबादत हैं। अल्लाह की इबादत तो कुछ और है, इसीलिए तो वहां पे भी जाके कहते हैं कुर्बतन इलल्लाह, वरना इस सजदे का कोई एतबार नहीं, न इस रुकू का एतबार, न ये कयाम का एतबार, सिर्फ इसीलिए कुर्बतन इलल्लाह। असल इबादत कुछ और है, रूह इबादत कुछ और है। रूह इबादत असल इबादत इताअत परवरदिगार है, असल इबादत रूह इबादत इताअत परवरदिगार है, वो कुछ और है। हैरान होना चाहिए, हर लम्हा होना चाहिए, महजर में हो तब भी होना चाहिए, गैबत में हो तब भी होना चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए। लिहाजा ये इबादत नहीं है, जरिया इबादत है। और न यकीन आ रहा हो तो यहाँ से तस्दीक ले लो कि एक शब्द में 1000 रकत पढ़ते थे, हैं? एक शब में 1000 रकत पढ़ते थे मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन। लेकिन जब पैगंबर ने कहा कि आज लेट के सो जाओ मेरे बिस्तर पर, तवज्जो करें, तो पैगंबर ने कहा लेट के सो जाओ बिस्तर पर, तो अब तो हाथ जोड़ के कहना चाहिए सरकार आए इसलिए हैं आप कि इबादत करवाइए अल्लाह की, मैं 1000 रकत पढ़ता हूँ, ये 1000 का क्या करूंगा, ये 1000 क्या करूंगा, आप तो सुला रहे हैं, ये 1000 किधर जाएगा? तवज्जो करें आप, ये नहीं पूछा, हुक्म पैगंबर हुआ, लेट गए बिस्तर पे, तब दुनिया को बता दिया इबादत न सजदे का नाम है, न रुकू का नाम है, न तस्बीह का नाम है, इबादत इताअत परवरदिगार का नाम है। और इताअत परवरदिगार बगैर रसूल के इताअत के मुमकिन नहीं है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इताअत। लहदा ये इबादत असल इताअत परवरदिगार है, ये हर हाल में करना है, जब घर में हो और टीवी के सामने हो और ड्राइंग रूम में हो तो तबलीग याद नहीं आती है, तब अमर बिल मारूफ भूल जाते हैं, तब नहीं अनिल मुनकर नहीं करते हैं। हम इनसे बहुत परेशान हैं, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर वालों से, कि ये जहां मजमा देखा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अरे तुमने अपने को भुला दिया। तवज्जो करे अतंसौना अनफुसकुम, क्या तुमने अपने को भुला दिया, अपने पे अमर बिल मारूफ करो। तब ये कहते हैं कि अभी तो टाइम है, अभी तो मौका है, अभी तो वक्त है, यहाँ पर दिखाइए आप अपनी तन्हाई में इताअत और उसके बाद बज़्म में इताअत और उसके बाद मौका और माहौल तमाम देखिए इताअत की। और ये भी सुनते जाएं, जैसे ही हुक्म दिया कि लेट जाओ वैसे ही और रात भर सोना, तो वैसे ही ये पलट के नहीं कहा कि हजार रकत पढ़ता हूँ और इन हजार रकत में कितने सजदे होंगे, कितने रुकू होंगे, ये सब मैं करता हूँ इसका क्या होगा, सिर्फ ये पूछा आपकी जान बच जाएगी मेरे सोने से। तो जो करें आप कयामत तक के लिए लिख के दे दिया कि अली लेटे किस लिए थे। तो करें आप किस लिए लेटे थे, आपकी जान बचाने के लिए लेटे थे, आपकी जान बच जाएगी। मालूम हुआ रिसालत और रसूल की जान बचाना असले इबादत है, असले इबादत है। इसीलिए फरमाया है कि जो शख्स मेरी हिमायत करे अपनी जबान से, अपने हाथ से और अपने कल्ब और दिल से, फहुवा मिन्ना, वो मुझ में से है। तवज्जो करें आप, ये है इबादत, ये है, ये असल इबादत है, ये रूह इबादत है। राजा लेट गए और अब दुनिया पूछे कि क्या है, ये है कि वो है, कौन अफजल कौन मफजूल, बहसों में पढ़ना नहीं चाहता, छेड़ना नहीं चाहता, सिर्फ ये कि मुझे तो सादी बातें करनी हैं। अब ये पूछते रहते हैं कि कौन, अभी सोचिए कि कौन जो है वो 1000 रकअत पढ़ने वाला जिसमें 1 रकअत में 2 सजदा और 1 सजदे का वजन किसी को पता नहीं, नहीं जान सकता कि वजन क्या है 1 सजदे का, नहीं समझ सकता। पूरी कायनात अगर मिल जाए तब भी तौल नहीं सकती, दावा नहीं है, दलीलें हैं, तौल नहीं सकती, जान नहीं सकती, समझ नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि सजदा बहुत बड़ा अम्र, सजदा बहुत बड़ा फेल, सजदा बहुत बड़ा ये अमल, अली इब्न अबी तालिब का है, एक छोटे से अमल को नबी ने फरमाया कि ज़र्बतु अली जिन यौम अल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन, यानी सकलैन जमीन आसमान मासेवल्ला सब जो है सकलैन, सब की इबादतें सिमट जाएं और वो सब एक पल्ले में रखी जाएं और एक ज़र्बत अली की। तवज्जो करें आप, इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक ये एक ज़र्बत तब भी पल्ला वजनी रहेगा, ये तराजू का पल्ला वजनी रहेगा, ये एक ज़र्बत, ज़र्बत क्या है, तलवार लेके हाथ से चक्कर लगाना और न मालूम कितने लगाए होंगे, लेकिन सिर्फ ये एक ज़र्बत। तवज्जो करें आप, हाथ का एक चक्कर ऐसा है कि सकलैन की इबादत सिमट जाए तब भी मुकाबला नहीं कर सकती। तो आप बताइए कि जिसकी पेशानी किसी के सामने झुकेगी, जिसके लिए का सारे आमाल की इंतहा का नाम सजदा खुदा है, तवज्जो करें आप, तो उसका सजदा कैसा होगा, जब 1 सजदा नहीं तोला जा सकता तो 1000 में 2000 सजदे हैं, तब तो 1000 भी नहीं तोला जा सकता। कम से कम अली ने इसको रख करके और रात भर सो के बताया कि मोहम्मद का वजन कितना है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इस पर कि सजदा कैसा है अली का, आप खाली इसी पर तसव्वुर करते जाएं तो घंटों लगेंगे और बात मुकम्मल ना होगी। कुल यकीन का सजदा है, कुल यकीन का 2000 सजदा, और मोहम्मद मुस्तफा की जान का बचाना, अपना पूछना कौन अफजल है कौन मफजूल है, बहस ना करना, सिर्फ समझते जाओ, गौर करते जाओ, फिक्र करते जाओ कि किसके लिए पैदा किया है, और हर आन हर लम्हा इबादत हो। क्योंकि वक्त में तंगी है, शिद्दत से इंतजार जरूर था आपका हमें और आपको हमें, लेकिन मैं क्या करूं, अब हालात ऐसे हैं, वक्त ऐसा है, लिहाजा तंगी के लिहाज से जल्दी जल्दी वो बातें कहने के बाद साथ असल मकसद और मफहूम तक पहुंचना है कि इन बुजुर्गवारों को इसाले सवाब हो जाए जो जिंदगी भर जिक्र अहले बैत करते रहे। तमाम जिक्र अपनी जगह पे हैं, सिर्फ ये वाहिद जिक्र है जो इतना अजीम है। एक तो खाली यही है कि इनका जिक्र जिक्र खुदा है, इसमें तो किसी को शक नहीं कि इनका जिक्र जिक्र खुदा है। किसी मुसलमान मोमिन को तो शक होना भी नहीं चाहिए, किसी भी मुसलमान को भी शक नहीं है कि जिक्र अहले बैत जिक्र खुदा है। इतना जिक्र हो जिक्री, इनका जिक्र मेरा जिक्र है। उन्हें मालूम मुतअद्दी जगहों पर तो जाहिर है कि जिक्र इनका जिक्र, जब हम जिक्र बोलते हैं अवाम हैं, ज़ाहिर अल्फाज हैं, बोलते हैं, अल्फाज मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल होते हैं, मानी कुछ और होते हैं, किसी और में इस्तेमाल हो जाता है, समझने कुछ और लगते हैं, जहन कहीं और चला जाता है, लेकिन जिक्र के मानी ये सब कुछ नहीं है। जो बोलते चले जाएं वो जिक्र है, जो पढ़ते चले जाएं वो जिक्र है, जो कहते चले जाएं वो जिक्र है, ये सब कुछ भी नहीं है। जिक्र के मानी है याद, यानी ऐसी याद कि उसको देखिए खुदा याद आ जाए। अल्लाह अकबर, न तस्बीह से याद आता है, न सजदे से याद आता है, न रुकू से याद आ रहा है। जैसे ही सूरत देखी कमा हाजा अल फता, कितना बेहतरीन खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है, अरे इससे बेहतर तो कोई ना था, अरे ये कमर बनी हाशिम है, ये हाशिम का लाल है, ये हाशिम की जान है, ये हाशिम की रूह है, और एक को देखा कहा छोड़ो हाशिम ओशिम तक कहाँ ले जा रहे हो, ये असदुल्लाह है। इससे बढ़ करके कौन होगा, ये असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर है। इसको देखिए अल्लाह की कुदरतें याद आती हैं। सबसे बड़े जिक्र का नाम अल्लाह ने जो रखा है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद है। इनका जिक्र अल्लाह का जिक्र ये है कि इनके जिक्र में अल्लाह की याद है, इनके बयान में अल्लाह की याद है, खुद इनकी जात में अल्लाह की याद है। जो देखिए अल्लाह याद आए, इनके तमाम हालात को पढ़िए अल्लाह याद आए, यानी अल्लाह जो है वो उसके तक पहुंचने का राज सिर्फ ये हैं, और यही हो सकते हैं। और बहुत आसानी है, आप किसी भी चीज़ को ले आइए, संदे सभी चीज़ जो है अल्लाह की मखलूक हैं, सभी चीज़ को अल्लाह ने खल किया है बनाया है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह तक पहुंचाने वाली हैं। जब ये कहिए तो सबके समझ में आता है, लेकिन जब आले मोहम्मद का नाम लीजिए चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। ऐसे कहिए कि सूरज अल्लाह का पता दे रहा है, चांद अल्लाह का पता दे रहा है, सबके समझ में आता है, ये आसमान अल्लाह का पता दे रहा है, फिर हाँ जी अल्लाह बनाया है, अल्लाह ने कुदरत की, अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा यहाँ पे होता है। लेकिन जैसे कहिए कि अली की ज़ात, खामोश हो गए, अब अल्लाह याद नहीं आ रहा है, अल्लाह अकबर। और अली ये कह रहे हैं कि अल्लाह की कोई आयत मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है, कोई आयत मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर चांद देखो, सूरज देखो, और तुम ये आसमान देखो, ये जमीन देखो, ये कायनात की हर शय को अलग अलग देखते रहो, जो जो याद आए, जो जो समझ में आए, वो सब खालिस मुझे देख लेने में याद आएगा, समझ आएगी पूरी कायनात सिमटी। क्यों? इसलिए कि ये सब मारिफत रखते हैं, ये सब इनकी मारिफत रखते हैं, ये सब इनको पहचानते हैं, ये सब इनको जानते हैं। अगर पहचानते नहीं थे तो कैसे इशारे पे दरख चले आते थे, अगर पहचानते नहीं थे
तो कैसे ये पत्थर हाथ पर बोलने लगते थे? अगर पहचानते नहीं थे तो कैसे ये जानवर दौड़ के कदमों पे सजदा करने लगते थे? अगर ये पहचानते नहीं थे, अब आप देखिए तुर्रा आपको है कि आप साहिब अक्ल हैं, आप साहिब फहम हैं, आप साहिब ज़का हैं, आप पहचानते हैं। अजी यहाँ तो हैवान भी पहचान रहा है, पत्थर भी पहचान रहा है, हद ये है कि सितारे भी पहचान रहे हैं। अगर पहचानते नहीं तो ज़मीन से खड़े होकर इशारा करते तो दो कैसे हो जाते हैं? ये बता रहा है कि पहचान रहा है, जो हुक्म हो रहा है अदा करता जाता है। अगर पहचानता न था तो उंगलियों का इशारा किया, इधर गुरूब हो रहा था, उधर फौरन फिर चला गया। ये कैसे चला गया? ये इस बात की दलील है कि ये पहचान रहा है, इशारों को पहचान रहा है। अरे तुम्हारी अकलें हैं, तुम्हारी फिक्रें हैं, उसके बाद तुम कलाम नहीं पहचान पा रहे हो। ये दुनिया की चीजें इशारे पहचान रही हैं। अल्लाह अकबर, पर्दे की बात पर्दे में रह जाए। सब ने किसी ने उंगली का इशारा किया, किसी ने हाथ का इशारा किया, किसी ने आंखों का इशारा किया, यहाँ पर्दे में सब कुछ किया, कोई इशारा नहीं। तस्बीह हाथ में भी आजदा रहा ऊपर से नीचे। सितारों को बुलाना, गौर किया आपने? यही मौका नुजूम है, जहाँ पे नुजूम आते रहते हैं, सजदा करते रहते हैं। अब बड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आप बकवास की बातें करते हैं, इनके अकलें नहीं हैं, इनके फहम नहीं हैं, समझते नहीं, हमसे ज़्यादा समझदार हो। यकीनन समझ और अकल जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है, अल्लाह ने दिया है, यकीनन समझो। मगर 40 साल से इसी में लगे हुए हैं तो हमसे ज़्यादा समझने लगे। क्या समझ में कैसे है भाई? इतना बड़ा सितारा, इतना बड़ा हो करके कहाँ ये आ जाएगा छोटा? अबे तेरी अक्ल में आ जाता तो ये मौजदा कैसे होता? मौजदा कैसे होता? मौजदा तो उसे कहते हैं जिसमें आजिज रह जाए अक्ल। और यही तो खुदा बता रहा है कि कोई कितना बड़ा हो, कायनात का कोई कितना बड़ा हो, जब दर सैयदा है तो सब छोटे हो जाते हैं। यही तो बताना है, सब छोटे हो जाते हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अंदाजा करें तो जाहिर है कि ये हर बात जो है बता रही है। अब अगर हमने इतना भी पहचान लिया होता और इतना भी मान लिया होता तो कम से कम ये कहलाते कि हमारी मारिफत जो है इनकी हद तक है, उनकी हद तक है, वहाँ तक है, बहुत ज़्यादा बढ़ते कहते वहाँ तक है। लेकिन हमने तो इतना भी नहीं पहचाना जो सूरज ने पहचाना, क्या हमने पहचाना? जो चाँद ने पहचाना, क्या हमने पहचाना? हद तो यह है कि हैवानों तक भी न पहचाना। आप मुलाहिदा करें कहाँ उनकी मारिफत। पैगंबर ने फरमाया मन मन अल्लाह अलैहि बे मारिफत अहले बैती, जो शख्स के ऊपर अल्लाह ताला ये मिन्नत और एहसान कर दे कि हमारे अहले बैत की मोहब्बत उसे दे दे, जिस शख्स को ये दे दे तो समझिए लो आता अल्लाह हो, अल्लाह ताला ने उसे अता कर दिया। अल खैरा कुल्ला, सारा खैर दुनिया का दे दिया। अगर इस मारिफत में अल्लाह पोशीदा ना होता, तवज्जो करें आप, तो कुल खैर कहाँ से आता? इसका मतलब यह है कि मारिफत अहले बैत ये इसमें अल्लाह पोशीदा है, मारिफत अहले बैत ही में पोशीदा है। इसी से समझ में आएगा, इसी से पहुंचेंगे। एक छोटी सी चीज है, हुक्म तो दे रहा है, करके दिखा दे मुझे। हुक्म दे रहा है, क्या पैगंबर तुम इनसे कहो कि ये सब इन कुन तुम तो है पून अल्लाह तबिहूनी, इनसे कहो ये जितने मोमिन मुसलमान हैं कायनात के सब, इनसे कहो अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी पैरवी करो। अब अल्लाह से मोहब्बत करनी है, बगैर मोहब्बत के नबी की पैरवी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि बगैर मोहब्बत के बे सबसे पहले सारे कुफार पैरवी कर रहे थे, अरे अल्लाह नहीं कर रहे थे, अमीन भी मान रहे थे, साजिश भी मान रहे थे, जो कह दे रहे थे करने को तैयार थे। लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत बीच में आई तो कहा हम आपको रसूल नहीं मानते,
लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं। तवज्जो करें आप, तो आप पैरवी किधर गई? अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। अगर ईमान ले आए, अल्लाह से मोहब्बत हो गई, तो इनसे कहो कि मेरी पैरवी करें अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? अब आप बड़े तमकन से बोले ये दिल में होती है, बस दिल में है, दिल ही में रहती है। अरे भाई कैसे होती है, किससे होती है मोहब्बत? क्या है मोहब्बत? कहते हैं किसी शय की तरफ, किसी शय का रगबत पैदा करना, ये है मोहब्बत। रगबत उस शय ले शय, किसी चीज का किसी चीज की तरफ रगबत पैदा करना, मैं हद अदब है। आप दिन भर देखते हैं इनको उनसे मोहब्बत, उनको इनसे मोहब्बत, इनको उनसे इश्क, उनको इनसे इश्क। क्यों? इसलिए कि चीज दिख रही है, चीज पसंद आ गई है, रगबत पैदा हो गई है। अब अल्लाह कह रहा मुझसे मोहब्बत, तो मैं किस चीज से मोहब्बत करूं? ये अल्लाह बता तू, तू दिखाई दे ताकि रगबत पैदा हो। तवज्जो करें, तू दिखाई दे तो रगबत पैदा हो। अब जो दिखाई देगा तभी रगबत पैदा होगी ना, तब ना दिखाई देगा। अगर दिखाई दे जाए तो खुदा नहीं, अगर दिखाई दे जाए तो खुदा नहीं। चंद बावले चाह रहे थे देखना, और कह रहे थे हजरत मूसा से कि कहो कि दिखाई दे हमको, है कि नहीं है? चंद थे ना, कह रहे थे मुझे कहो कि दिखाई दे। अल्लाह ने कहा है मूसा इनसे कहो कि नहीं दिखाई देंगे। अल्लाह दिखाई नहीं दे सकता, लंतरानी या मूसा, तुम लोग बिल्कुल हरगिज नहीं देख सकते। अरे मूसा कम से कम तुम तो जानते हो। कहा या अल्लाह क्या करें, ये कौम परेशान किए है, इस कौम की वजह से कहना पड़ रहा है। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि मूसा सब जवाब जानते हैं लेकिन मुंतजिर हैं अल्लाह के जवाब का। तवज्जो कर रहे हैं आप, अंबिया इसे कहते हैं, औलिया इसे कहते हैं, जानते सब हैं मगर मुंतजिर हैं। जब तक इजाजत न हो अगला जुमला कैसे अदा करें, इसलिए इंतजार में हैं। कह रहे हैं या अल्लाह ये कौम है, क्या करूं? क्या नहीं देख सकता, हरगिज नहीं देख सकता। कहा क्या करूं? कहा फिर ले आ, दिखा दे इनको अगर देख सकते हो तो। अब जब देखने की बात आई तो अब देखने की हालत आई तो कैसे देखते? बस इतना ही लिखा कुरान ने कि एक जर्रा फतजल्ला रब्बहू, एक जर्रा तजल्ली किया, और उसके बाद मूसा भी उलट गए। कौन तो तिया पहचा हो गई, कुछ पता ही नहीं कौन किधर गया। तो जब तजल्ली हुई एक मिनट के लिए, अल्लाह अकबर, तो फिर ये ताब न ला सके, ये देख न सके। यही तो कहा था नहीं देख पाओगे, बातें एक ही हुई ना, इतना सादा रोशन। अब मैं जो कहना चाहता हूँ आप सब तो सुनते ही रहते हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि चूंकि उसका दावा है कि ला यद्रकुल अबसार, आंखें देख सकती नहीं, आंखें नहीं देख सकती हैं जर्रा बराबर, मगर कुरान की लफ्जे हैं कि मूसा जो है बस है कज को ऐसे हुआ और मूसा जो है पलट के गिर गए, तो आंख बंद हो गई, चका चौंध हो गए, देख ना पाए। अब सवाल ये है कि आंख जब खुली हो और सूरज की तरफ देख रहे हो आप, और आंख खुली हो जैसे ही देखा बंद हो गई, इसी को चका चौंध कहते हैं ना। जब रोशनी ज्यादा हो और आंख आपकी यूं खुली हो फिर बंद हो गई, वो मेरा इतना ही सवाल है कि जितने सेकंड दर सेकंड दर सेकंड अगर जो है उसके अंदर आंख खुली रह गई तो कुछ तो देख लिया होगा, कुछ तो देख लिया होगा, और वो कह रहा है देख नहीं सकते हो। या अल्लाह मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची है? अगर कुछ भी एक लम्हे का आशवरा, एक लम्हे का समा हिस्सा भी आंख खुली रही और उतना भी अगर जलवा आ गया तो जो करें वह यद्रकुल अफसार, वो सबको देखता है लेकिन ला तद्रकुल अफसार, उसको अफसार नहीं देख सकते। मगर ये एक लम्हा भी मूसा की अगर इतनी खुली रही तो देखा, तवज्जो करें। या तो मानो कि कुरान गलत है, अब बताओ कुरान सही है या गलत है? तो हम मोमिन हैं, मोमिन कभी कुरान को गलत कह नहीं सकता। तो देखा तो नहीं मगर आंख खुली और बंद हुई, अल्लाह अकबर, जो खुली और बंद हुई तो कुछ तो देखा। तब दूसरी बात मानो, या ये मानो कि कुरान गलत है, और या ये मानो कि जो चमका वो खुदा नहीं था।
دو سورتیں ہیں، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا۔ ایک ذرہ اگر نگاہ ٹک گئی جتنی بھی اور جتنی ہلکی اتنا دیکھ لیا، واہ واہ، اب ظاہر ہے کہ وہ سب کو دیکھتا ہے۔ لا تدرو کھول، اب سار آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، اور موسیٰ نے اتنا ہی صحیح دیکھ تو لیا، تو جو کریں آپ، تو جتنا دیکھا یہ بتا رہا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ من عظمت نور ہی خلق اللہ ہو، انوار اللہ نے اپنی عظمت نور سے پیدا کیا تھا، اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ نہ کھانا یہ تمہارے جیسے ہیں، یہ دھوکہ نہ کھا لینا تمہارے جیسے ہیں۔ ہوما ظاہر و ہوما بشریتن، ظاہر ان دونوں کے ایسے ہیں کہ بشر نظر آتے ہیں، ظاہر و ہوما بشریتن و باطن و ہوما لاہوتیتن، اور باطن ان کا نورانی ہے، باطن ان کا ملکوتی ہے، یہ نور مجسم ہیں۔ تو ظاہر بشر دیکھ کے نہ، کیوں؟ کہ اس لیے کہ امام نے جواب دیا کہ کیوں ایسا کیا گیا، اللہ تعالی جعل اللہ، اللہ نے ان کو رکھ دیا، ہما ان دونوں کو، فی حیاء کلناسوتیا، انسانوں کی ہیکل اور صورت میں، تاکہ انسان جو ہے وحشت نہ کرے، تاکہ انسان جو ہے وہ دیکھ سکے، ایتیقو، تاکہ یہ قوت پیدا کر لیں، تاکہ ان کو دیکھ سکیں ان کی آنکھیں، ورنہ نورِ الٰہی کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ، خدا کہیں نہیں آ سکتا اور نظر نہیں آئے گا آپ کو، ہر جگہ ہے، خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہر جگہ ہے۔ اس کا نور ایسے ظاہر نہ ہوگا کہ تم سمیٹ لو، یا تم محسوس کر لو، یا تم اس میں حس پیدا کر جاؤ، ہے ہر جگہ، مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر محمد اپنی اصلیت کو جانے والا تھا، اور جب اصلیت کو پہنچنے والا ہوا تو کہا آؤ، اب آگے آؤ، تو پہچاننے والا کہہ رہا تھا کہ میں اپنی حقیقت جان رہا ہوں۔ توجہ کریں آپ، اس لیے کہ تو اپنی اصلی حالت پر جائے گا تو یہاں نہ قوت رہ جائے گی، نہ طاقت رہ جائے گی، نہ یہ پر رہیں گے، نہ ہم رہیں گے۔ اللہ اکبر، اب اس سے بہتر میں کیا سمجھاؤں آپ کو، یہ اتنا بلندی پر ہے، اتنی بلندی پہ ہے کہ نہ اسے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اسے کوئی سمجھ سکتا ہے۔ یہ کس کے صفات ہیں؟ اللہ کے صفات ہیں کہ نہ دیکھ سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو۔ معراج پر محمد جیسے ہی پہنچے، ایک حد کے بعد معصوم آنکھیں بھی نہیں دیکھ پائیں گی، ایک حد کے بعد معصوم فکریں بھی نہیں سمجھ پائیں گی۔ اب وہ اس بلندی پہ پہنچا کہ اگر اس سے آگے بڑھا، توجہ کریں آپ، تو میں ختم ہو گیا، میں چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر ایک لطیف بات ہے، ہمارے اساتیز درمیان درس کبھی کبھی باتیں کہہ دیا کرتے تھے اور وہ باتیں یاد رہ جاتی تھیں، تو اب اس میں یہ لطیف مسئلہ ہے کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم اس کو لے گئے رات و رات، اور لے کون گیا؟ جبریل لے کے گئے، رات ہو رات ہم اس کو لے گئے، لیکن لے جبریل گئے، اب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ آپ یہی کہیں کہ جبریل کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ اللہ اکبر،
जिब्रील जो करें वो अल्लाह कर रहा है, अल्लाह के हुक्म पर कर रहा है, मलक है आप कैसी बातें कर रहे हैं, कितना आसान है। जिससे भी पूछ लीजिए जिब्रील का फेल अल्लाह का फेल है, क्यों कहा, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म पे कर रहा है। अल्लाह अकबर, जिब्रील करे, अल्लाह अकबर, जिब्रील करे तो अल्लाह का फेल है, अल्लाह अकबर। आप तवज्जो करें, अगर उस्ताद जिब्रील करे अल्लाह का फेल नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मलक जो है वो कुछ कर सकता है। बात आ गई, बीच में ठहरा जा रहा हूं। मलक जो है मलकुल मौत, अब क्या हुआ, कहा कि मौत का मलक है ये जो है मुर्दा कर देता है, और फिर यही जब मौत करता है मुर्दा, रूह कब्ज कर लेता है, तो यही फिर जिंदा भी कर देता है। ये कैसे, कहा कितनों को देखा जिंदा होते, इसलिए कि यही ने मौत दिया, इसी ने रूह लौटा दी, तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। तो ये मलक जो है इसमें इतनी सलाहियत है कि ये मुर्दा को जिंदा भी कर दे, इसमें इतनी सलाहियत है कि ये किसी को मौत भी दे दे। अल्लाह अकबर, मुलाहिज़ा करें आप, ये हैं कौन, उनका मलक हैं। अब उस बार सलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने अपने आंखों से देखा है, मैं गुजर रहा था, मैंने कहा जरा सा मैं ज़ियारत कर लूं, जैसे ही दर खुला देखा, अंदर सर किया तो देखा सैयदा सो रही हैं, चक्की चल रही है, झूला झूल रहा है, मैं घबरा के बाहर आ गया, या रसूल अल्लाह क्या है। आपने कहा पहचाना कौन था, कहा कोई नहीं दिखाई दिया, कहा दिखाई कैसे देता, जिब्रील झूला झूला रहा था, दिखाई चक्की चला रहा था। तवज्जो कर रहा हूं मेरी बात पर, ये मलक हैं। मलक कौन हैं, जो सैयदा के खादिम हैं, आले मोहम्मद के खादिम हैं। खादिम मार सकता है, खादिम जिंदा कर सकता है। अल्लाह अकबर, आपसे सोचिए आप, खादिम जो चाहे कर ले, मखदूम नहीं कर सकता। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अजब कम इल्मी है, अजब जहालत है, अजब कम इल्मी है। आज की दुनिया अजीब हो गई है, बड़े बड़े अमामा लगाते हैं और उसके बाद समझ में नहीं आता है, उम्रें गुजार दी हैं फिर भी नहीं समझ में आता। जैसे ही आपने कहा कि मौत के भी मालिक हैं ये, रिस्क के भी मालिक हैं ये, हयात के भी मालिक हैं ये, उन्हें कैसी नस्बतें दे रहे हैं, ये सब अल्लाह की नस्बतें हैं, अल्लाह ही कर सकता है। अरे अल्लाह खुद आता है करने, एक आदम की खिलकत में जिब्रील को वास्ता बनाया कि नहीं बनाया, तवज्जो कर रहे हैं आप, एक आदम के खिलकत में तेरा बाप पैदा हुआ जिब्रील के वास्ते से। जिब्रील मिट्टी ले आ, अब यहाँ के ले आ, अब वहां के ले आ, तवज्जो करें आप। तो जिब्रील मिट्टी ला रहा था, अगर मैं इतना ही पूछ लूं कि हुक्म कौन दे रहा था, मैं तुझसे पूछता हूँ ये हुक्म कौन दे रहा था, क्या अल्लाह दे रहा था, अल्लाह कहाँ से दे रहा था बता मुझको। अगर मुंह से बोला तो अल्लाह नहीं रहा, अगर जबान इस्तेमाल की तो अल्लाह नहीं रहा। अब तो कोई जगह है जहां से कलाम इलाही निकल रहा है, कहीं तो है जहां से हुक्म खुदा निकल रहा है। जिब्रील सुन रहा है, करता जा रहा है, जहां से निकले कलाम इलाही उसी को कलिमतुल्लाह कहते हैं। तवज्जो रखना, अन्नहुम कलिमतुल्लाह, आप अल्लाह के कलमा हैं। तवज्जो करें, कलमा किसे कहते हैं, तवज्जो रहे। आप मुझसे बोलते मैं अतलफजो बहल फम, जो कुछ भी मुझसे आप बोलें यही जो है ये कलमा है ना। और होता क्या है, मुझे जो बोल रहे हैं अल्फाज निकल रहे हैं, ये करता क्या है, जबान से तो निकल रहा है लेकिन जो दिल में छुपा है, तवज्जो करें आप, उसी को जबान से जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, तो छुपी हुई चीज का मजहर ये जबान है,
बात समझ में आई? अल्लाह के मंशो इरादा जो छुपा है उसी के मजहर का नाम मोहम्मद व आले मोहम्मद है। इन्नहुम कलिमतुल्लाह। मजहरे कलमात इलाही, मजहरे मजहरे इरादा इलाहिया, मजहरे इंशार मशीयत इलाहिया है। इन तक नहीं पहुंच सकते। बस में किसी ने इमाम सादिक से आंखें लड़ाते हुए एक मर्तबा करीब हुआ और सहाबी था सालहा साल का और कहने लगा आप अपने कुछ फजाइल बयान कर दें। हजरत ने कहा ताब ना लाएगा। उसने कहा कि मौला मैं पुराना सदा हुआ आपका सहाबी हूँ, मैं और ताब ना लाऊं, आप कुछ तो सुना दीजिए। आपने कहा मेरे बड़े फजाइल हैं, तू कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएगा और कहाँ तक समेट पाएगा? उसने कहा सबसे बड़ी फजीलत जो होगी आप कहेंगे वो तो मैं जानता ही हूँ। हजरत ने पूछा क्या जानता है? उसने कहा इल्म। इल्म से बड़ी कोई फजीलत नहीं है। इल्म सबसे बड़ी फजीलत है। उलमा हैं, खुतबा हैं, जाकिरीन हैं, उन्हीं के साले सवाब की मजलिस है। आप उलमा हैं और यहाँ पर जितने हैं वो मार्फत रखने वाले का इल्म से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी फजीलत क्या होगी? इमाम ने मुस्कुरा कहा आए सरो मिन जालिक, अरे ये तो मेरी थोड़ी फजीलत है। आए सरो मिन जालिक, अल्लाह अकबर। अगर युसर और उसर का मानी मालूम है आपको, ये तंगी और ये सहलंगारी का ऐसर यानी युसर यानी बहुत छोटी सी चीज, बहुत हल्की सी चीज, बहुत ही हल्की फुल्की चीज, अल्लाह अकबर, जिसे तुम गहरा समझते थे इल्म। और ये जानता है कौन सा इल्म? इसने कहा वो मैं जानता हूँ। हजरत ने पूछा क्या जानता है? उन्होंने कहा अल्लाह रतबुल वला याबसिल्ला फी किताबिम मुबीन, हर खुश को तर के आप मालिक हैं, हर चीज को आप जानते हैं। अब इससे बड़ी चीज क्या होगी? आपने कहा आयसरु मिन ज़ालिक, ये जो है वो थोड़ी चीज है, ये हल्की चीज है। मुलाहिजा कर रहे हैं आप, बर्दाश्त न कर पाएंगे, ताब न ला पाएंगे, हमें नहीं बयान करना चाहिए। इसलिए जमाना ना हली का है, ना कदरी का है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन कहा आए सरो मिन ज़ालिक, बस थोड़ी चीज है ये इल्म, तो ये तो थोड़ा सा है जो सामने है, जिसे तू जानता है। जहां ला रतब वाला या बसिल्ला फी किताब मुबीन, हर खुश को तर सिमटी हुई है, वो थोड़ा सा है, अल्लाह अकबर। अब इससे ज्यादा क्या होगा? इमाम ने मुस्कुरा के कहा जान अल्लाह कुलूब अल आइम्मता वखरुन लिरादतिल्लाह, अल्लाह ताला ने आइम्मा के दिलों को अपनी इरादा के उतरने की जगह बनाई हुई है। अल्लाह ने जान अल्लाह, अपने इरादा के, अपने इरादा के उतरने की जगह जाल अल्लाह कुलूब अल आइम्मा, आइम्मा के दिलों को मौरदन लिरादते व मशीयते फैदा शाह अल्लाह शाहु, जब अल्लाह चाहता है तो ये भी चाहने लगते हैं, जब अल्लाह इरादा करता है तो ये भी इरादा करने लगते हैं। तो तुम क्या समझ रहे थे कि खाली अभी तक हम कह रहे थे तो तुम वाह वाह कर रहे थे खाली यही समझ करके कि अरे भाई यही नहीं थे, इशारा कर रहे थे तो पलट रहा था, अरे अल्लाह यही नहीं है, बल्कि जब ये इशारे के लिए हाथ उठाए थे तो मशीयत परवरदिगार थी, इरादा इलाहिया था, इरादा इलाहिया से पलटा, तो तुम तो खाली सूरज को देख रहे हो, मैं तो देख रहा हूं कि ये जातें ऐसी हैं जहां इरादा इलाही साथ साथ है, ये नाजबरदारी कर रहे हैं, ये इरादा इलाहिया की नाजबरदारी कर रहे हैं। जब वो चाहता है
तो ये भी चाहते हैं, जब वो इरादा करता है तो ये भी इरादा करते हैं, इससे आगे हद-ए-अदब है, इससे आगे सलाहियत की ज़रूरत है, इससे आगे नहीं जाऊंगा, यहीं से नीचे उधर आऊंगा। आप अंदाज़ा करें कि ये कौन है, आप पूछ रहे थे, आपकी सूरत दिख गई, अब ये समझ में आ गया। आप मुलाहिज़ा कीजिए, ये जो समझ लीजिए कि ला रतबन वला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क और तर इस किताब के अंदर मौजूद है। ला असगर वला अकबर, कोई असगर अकबर नहीं है, कुल्ल शैइन हर शय इसके अंदर है, सब चीज मौजूद है। अब आपका जहन और अकीदा ये कह रहा है कि जो अल्लाह का इल्म था सब इसमें है, और अगर मुदल्लल भी कर देता हूं कि ताकि आपका अकीदा और मजबूत हो जाए मगर बिगाड़ूंगा। अब ये अकीदा आपका है कि हर चीज जो है वो सब इसमें है, इसलिए कि मां से वल्लाह अल्लाह के अलावा सब चीज है और हर चीज इसमें है, है ना, कुल कहा है ना, तो हर चीज इसमें है, तो अब सब इसमें है। तो आप ये समझ रहे हैं सारा अल्लाह का इल्म ये है, और इसीलिए आप कह रहे हैं आले मोहम्मद जो हैं सारे अल्लाह के इल्म के मालिक हैं। अल्लाह अकबर, अगर यहां तक रह जाऊं तो ये मुकसरी है, मैंने आले मोहम्मद को पहचान तो लिया कुछ, तवज्जो करो तवज्जो करो, आले मोहम्मद को तो पहचान लिया कुछ, लेकिन अल्लाह की पहचान कम कर दी। तवज्जो करो, हम कम करने नहीं आए हैं, हम बढ़ाने आए हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है वो देने आए हैं, चाहे इतना बड़ा लगाओ चाहे इतना बड़ा लगाओ, तुम्हारे पास जो नहीं है देने आए हैं, कम करने नहीं आए हैं। सीखो, सीख के उम्मत को बताओ, ऐसे नहीं दिया जा सकता, ऐसे नहीं बोला जा सकता, सोते हुए आंख मलते हुए इंटरनेट पे देखा बोलने लगे, ऐसे नहीं होता। पहले दिल में रखो, चबाओ, सीने में उतारो, कल्ब में बिठा लो, उसके बाद जब यहां से निकले तो कौम को वैसे दो जैसे अली को रसूल अल्लाह ने दिया। ज़क्कनी रसूल अल्लाह ज़क्कन ज़क्का, रसूल अल्लाह ने कबूतर के अपने बच्चों को जैसे दाना चुंगाती है, बस कौम का मालिक वही है जो अपनी कौम को ऐसे खिलाए पिलाए। कौन सी चीज? रोटी नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, गोश्त नहीं, ये रिश्ते आला जो है, इसी का नाम जो है मारेफत है, इसी का नाम इल्म है, इसी का नाम यकीन है, इसी का नाम ईमान है। इसको चाहिए, इसके रहबर है मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये अता किया, ये दिया। अगर उनके नाम से खड़े हो रहे हो तो पहले जज्ब करो, दिल में रखो और पकाओ, और उसके बाद जब पक जाए, पुख्ता हो जाए, तब दहान से निकालो और निकाल के टुंगा दो, ताकि जब ये निकले तो ये दूसरे को टुंगाए, वो तीसरे को टुंगाए, कौम बनती चली जाए बजाय बिगड़ने के। मैं तो ये देख रहा हूँ जो बुजुर्गों ने टुंगाया था उसको ये खुर्दों ने खराब करना शुरू कर दिया है, और ये खराब कर रहे हैं, इनसे आगाह हो जाओ, ये खराब कर रहे हैं, मेरा मैसेज है, ये खराब कर रहे हैं, खराब ना करें। इन सब से गुजारिश है, सब भाई हैं, लेकिन अपने दिल में पुख्ता करो और बनाओ, और उसके बाद फिर उसको जब पुख्ता हो जाए तो टूंगाओ, जब टूंगेगा तो फिर ये सजदा समझ के करेगा, ये सजदा समझ के करेगा कि अब ये सजदा का महल है कर लेना चाहिए, ये सजदे का महल है कर लेना चाहिए, तो वैसे ही करेगा जैसे अली ने किया था, वैसे ही करेगा जैसे हसन ने किया, वैसे ही करेगा जैसे हुसैन ने किया, वैसे ही करेगा जैसे साजिदीन ने किया। फिर सजदे में जरा बराबर जुम्बिश नहीं, दुनिया पूरी लग जाए, सर सजदे से न उठेगा। तो आ रहा है नहीं आ रहा, क्या कह रहा हूँ, गौर करो, फिक्र करो, ये वो सजदे हैं। बस अजीजों, पहले इसको रखो, इसको संभालो, ये वो है मर्तबा। ये इतना ही नहीं है कि आप ये समझिए, याद रखो, ये जितना कुरान में है और जो माफिया और भी जो कुछ है, यही तन्हा इल्म खुदा नहीं है, याद रखो, यही इल्म खुदा नहीं है। कुरान खुद कहता है कि इसके अलावा मा तदरी नफ्सुन बेआई यार दिन तमूत, कोई नफ्स ये नहीं जान सकता कि कौन से जमीन पे मरेगा। अरे भैया, रात मुलाकात हुई थी, यहीं मिले थे, सुबह खबर आ गई कि अरे वो तो लंदन पहुंचे हुए थे, क्या हुआ, का हार्ट अटैक हो गया, मर गए। अरे मरना था तो यहीं मर गए होते, वहां कैसे मर गए, अरे जाना नहीं चाहिए था। अरे जाना क्यों नहीं चाहिए था, उसने अपनी मशीयत और तकदीर से पहुंचाया वहां। तवज्जो करें आप, मरना वहां था जो तुझे ही जानता था, किसी को नहीं पता,
तमाम चीजें जो हैं वो अपनी जगह पर, चीजों से मावरा वो सब इल्म खुदा में है। एक नहीं दसियों मर्तबा मैंने बड़े बड़े मिंबरों से तकरार किया, सिर्फ इसलिए कि आपके जहनों में उतर जाए, आपके दिलों में बैठ जाए। इसे तकरार न समझना अगर कोई मजमे में सुने हुए हो किसी मीडिया से, तो ये दिल में बैठने के लिए है। और बार बार तकरार करता हूँ कि अलावा इसके जो कुरान में है, अलावा इसके जो हिकमत में है, अलावा इसके भी और अल्लाह के पास है हर चीज़, और हर चीज़ से मावरा उसका इल्म है। अब उसने जो जाहिर कर दिया है वो ये है, समझ में आया नहीं आया, वो ये है। मैं चाह रहा था कि आगे न जाऊं, पता नहीं आप लोग आमादा हैं नहीं, एक सलावत पढ़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो ये है जो जाहिर कर दिया है, वरना बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ छुपा हुआ है जो उसके पास है, मगर जो जाहिर कर दिया वो ये है। जाहिर जब करेगा तो मशीयत में आएगी बात, जाहिर जब करेगा तो इरादे में आएगी बात। बात समझ में आई कुछ या नहीं आई, इशारों से खेलना चाह रहा था लेकिन लगता है नहीं समझेंगे आप। याद रखो सात प्रोसेस हैं। पहला मर्तबा सब उसके इल्म में है, सब उसके इल्म में है, मौजूद मादूम सब उसके इल्म में है, ये पहला मर्तबा। दूसरा मर्तबा उसके इरादे में आया, दूसरा मर्तबा उसके इरादे में आया, तीसरा मर्तबा उसके मशीयत में आया, चौथा मर्तबा उसके अजल में आया, पांचवा मर्तबा उसके कदर में आया, छठा मर्तबा उसकी कजा में आया, सातवां मर्तबा उसके इज़्न में आया। और जैसे ही इज़्न में आया वैसे ही वजूद में आ गया। अब समझ में आया, वजूद में आने के लिए सात दर्जे हैं। पहला उसके पास है, कोई भागीदार नहीं, कोई हिस्सेदार नहीं, कोई शरीक नहीं, सब कुछ उसके पास है। और फिर वो इरादे में आया, फिर वो मशीयत में आया, फिर वो अजल कदर में आया, फिर वो अजल में आया, फिर वो कजा में आया। अब सबको तो समझ रहे हैं ना, यानी ये कि जब इरादे में आया, इरादा किया उसने, उसके इल्म से इरादे में आ गया, जब मशीयत आई उसकी, उसके मशीयत में आ गया, और जब उसने कदर मकदार मुअय्यन किया तो कदर में आ गया, जब अजल मुअय्यन की कि कितने दिन रहना है इसको, कितनी मुद्दत है, अजल में आ गया, और जब उसने फैसला किया कि अब इसे वजूद में लाना है तो कजा में आ गया, और जब उसने हुक्म दिया इज़्न, तवज्जो करें आप, तो फिर वजूद में आ गया। समझ में आया आपके, ये वजूद में आ गया। अब जब तक उसके इल्म में है, जब तक वजूद में ना आए, जब मौजूद होगा तो जो लोग करीब हैं उन्हें मालूम होगा। भाई इन्होंने बड़ी पब्लिसिटी की इस लॉकडाउन में, इन्होंने इतनी पब्लिसिटी की, ये बैनर लगाए, ये किए, कितने जो है मीडिया से सब कुछ किया, मगर हैं कितने? अच्छा कितने को इल्म है? अभी कितने ऐसे होंगे जिनको इल्म ना होगा? इतनी पब्लिसिटी के बाद इल्म नहीं हो पा रहा है, तवज्जो करें आप। तो आप सोचें अल्लाह के जैसे ही वजूद में आए तो जल्दी कैसे इल्म में आ जाएगा? तो जो करीब होंगे उनके इल्म में आएगा, जो कुर्बत रखते होंगे वो जानने पाए होंगे, अब उनके इल्म में आ गया। जब मौजूद होगी तब हमारा इल्म ताल्लुक पैदा करेगा। जब चीज मौजूद हो गई तो हमारे इल्म में आ गया, और जब मौजूद नहीं तो हम जानते नहीं। हो गई बात, मुलाहिजा कर लिया आपने? अब हमारा इल्म सातवें दर्जे पे जाके जब इज़्न पाया तो इल्म मुतअल्लिक हुआ, और उसके बाद कैफियत ये है कि कुछ ऐसे बुलंदतर हैं कि जो वजूद से पहले भी जान जाते हैं। तो वो कैसे जानेंगे? उनका वो ऐसे जानेंगे कि अल्लाह ने उनको अपने मर्तबे में रखा है। अब वो वजूद आने से पहले अल्लाह ने सब कुछ कर लिया, आखिर में कहा इज़्न, जैसे ही इज़्न कहा उन्होंने इज़्न दिया, चीज मौजूद हो गई। तो जब इज़्न दिया तो मौजूद होने से पहले जान गए ना, तभी तो इज़्न दिया है ना। अब वो कौन है? तख्लुको बितैर, तख्लुको तायरम बेइज़्निल्लाह, ऐसा आप तायर को खल्क करते हैं
अल्लाह के इज्न से है ना। तो ईसा जो है इज्न खुदा से पैदा कर रहे हैं, मौजूद कर रहे हैं, मौजूद नहीं था, इज्न की मंजिल थी, ईसा जान गए, इज्न दिया, पैदा हो गया। तवज्जो कर रहे हैं आप बात में। तो ईसा का छठा दर्जा हो गया। इस छठे दर्जे में इनका इल्म है, मुलाहिदा करें। ईसा को कुरान ने बयान किया, आपने सुना और मुतवज्जे हुए, अब अजमतें पहचानी है आप। ये छठे दर्जे पे हैं, 1,24,000 अंबिया में एक को हटा के सबके नुमाइंदे हैं और आखिरी नुमाइंदे हैं। ये सबके मालिक हैं, सबके वारिस हैं। जो आदम में था वो इनके यहाँ है, जो नूह में था वो इनके यहाँ है, जो इब्राहिम में था वो इनके यहाँ है, जो मूसा में था वो इनके यहाँ है, जो ईसा में था वो सारा के सारा ईसा उसके मालिक हैं। ये ईसा इज्न के मंजिल पर, अब आप सोचिए ये इज्न के मंजिल पर हैं। कबल वजूद इनको इल्म हो गया, लेकिन भूलिएगा नहीं, सब अल्लाह के पास। जैसे ही इरादा किया तो उसके इल्म से निकल के इरादे में आया, और जैसे ही मशीयत किया मशीयत में आया। अब जो इरादा और मशीयत होगा, अल्लाह हो अकबर। एक घंटा हदीस सुनाई कि जाल अल्लाह हो कुलूब अल्लाइम्मत, अल्लाह अइम्मतेन, अल्लाह जो है कुलूब अइम्मा को क्या बनाए, मौरदन ले इरादते अल्लाह, अल्लाह की इरादा की जगह। तो मोहम्मद आल मोहम्मद इरादतुल्लाह हैं, मोहम्मद आल मोहम्मद मशीयतुल्लाह हैं। तो इरादों मशीयत के मालिक हैं, सब उसके इल्म में है। जैसे ही निकला इरादे में आया, जैसे ही निकला मशीयत में आया, मोहम्मद आल मोहम्मद जान गए। समझ में आया ना। और जो जाने वो सब कुरान में है, ये सब के मालिक हैं, वो खुदा है, ये बंदे हैं। आप मुलाहिदा करें कि कितनी बुलंद अजमतें हैं, इनसे बुलंद बरतर क्या अजमत होगी। कि हर चीज अंबिया नहीं जानते, औलिया नहीं जानते, औसिया नहीं जानते, लेकिन ये सब जानते हैं। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अंदाजा करें कि ये अजमत कितनी बुलंद है। और इन अंबिया से 75 मलक हैं, मलक से अंबिया अफजल हैं। ये तमाम मुसलमानों का इत्तफाक, मलक से अंबिया अफजल हैं। समझ में आया नहीं आया। और आपको बालिदगी के लिए इतना कहता चलूं, क्योंकि आप सोए नहीं कि कैसे और कैसे नहीं। जाहिर तमाम अंबिया जो हैं वो अफजल हैं मलक से, कभी अफजल मफजूल से मदद नहीं मांगता, कभी नहीं मांगता, कभी मांगेगा नहीं। इसलिए कि शान के खिलाफ है, प्रेस्टीज के खिलाफ है, चाहे जितना गिर जाए। जब मिंजनीक में रख के फेंकने लगे, जिब्रील सामने आए, क्या कोई जरूरत है मदद करूं? तवज्जो करें यार, क्या मदद की जरूरत है मगर तुमसे नहीं। तवज्जो करें, क्यों? इसलिए कि मफजूल से अफजल नहीं मांगता, जिससे जरूरत जो अफजल है उनसे मांगेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अंबिया अफजल हैं। अल्लाह अकबर, अभी भी नहीं आया हलक से नीचे। अगर नहीं आया तो अब उतार लेना। इसके बाद एक जंग में पैगंबर के सामने कुछ सहाबियों ने आकर के, और बड़े बड़े नामावर सहाबी आकर के आंखें उठाई और कहा, या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं कि अली का कदम ऐसे ही मुअल्लक था और हाथ में उनके दर था। या रसूल अल्लाह, लोग ऐसे कहते हैं कि कदम ऐसा ही था, मानने हमने तो नहीं देखा। लोग कहते हैं इसलिए कि हम देखते कब जब होते, हमने तो नहीं देखा, इसलिए कि आदत ही नहीं रही जंग में रहने की, तो हमने तो नहीं देखा। लोगों ने बताया ऐसे ही है। रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा के कहा, ऐसे ही नहीं मुअल्लक था, ऐसे ही नहीं मुअल्लक था। तो फिर कहा रसूल अल्लाह ने कि ये जिब्रील के पर पे था। तो जिब्रील के पर पे, जिब्रील के पर पे कहा? जिब्रील के पर पे था। तवज्जो करें यार, नहीं, जिब्रील के पर पर अली का कदम था। जिब्रील के पर पे ये कैसे हो सकता है? आपने कहा कि इधर देख, मैं अफजल हूं जिब्रील। अब बहस ना करना अफजल मफजल से, कहा मैं अफजल हूं जिब्रील। कहा या रसूल अल्लाह, आप अफजल हैं। कहा जब मेरे शानों पे कदम रख सकता,
तो ये जिब्रील के कदम पर, जिब्रील के पार पर एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाली। हर जहत से बता दिया कि मलक से अंबिया अफजल और अंबिया से मैं अफजल, अना अफजलुल अंबिया यानी पैगंबर खत्मी मर्तबत सैयदुल अंबिया। अब आप ना पूछिए कौन अफजल कौन मफजूल, सैयदुल अंबिया इंतहाए फजीलत है। अब इसके बाद कुछ ना मिलेगा, कब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, है ना। और जब मुझ पर सवार हो गया अल्लाह अकबर, अफजलुल कायनात पर कदम रखे है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर पहुंच रहे हो तो पहुंच जाओ, अब ना पूछना कौन क्या है, अल्लाह अकबर कदम रखे है। मैं सब कुछ नहीं कहूं जो पुराने कहते रहे हैं, नहीं सुनिए आप, कदम रखे है और अफजल कायनात है। अब उसके बाद ये इतनी बुलंदियों पर है कि इसकी बुलंदी कोई क्या समझ सकता है और क्या जान सकता है। शाना भी ऐसे नहीं करना पड़ा और नीचे आ गए, इतना बुलंद हैं। अब एक रवायत में ये है, शाह मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा कि पैगंबर ने पूछा या अली कितने बुलंद हो, या अली कितने बुलंद हो। फरमाया या रसूलल्लाह अगर चाहूं तो अर्श छू लूं। शाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में लिखा कितने बुलंद हो, उनका या रसूलल्लाह चाहूं तो अर्श छू लूं। अल्लाह अकबर, अर्श छू लूं कितनी बड़ी फजीलत है। आपने भी वाह वाह किया, सबने किया और करना भी चाहिए। जहां तक रहे वहां तक तो कम से कम समझने का सबूत दें, उतना तो बताएं है कि नहीं है। अब उसके आगे की बात अलग है, कहा कितने उनका अर्श छू लूं, तो क्या कोई फजीलत है अर्श छू लेना, कोई फजीलत है। अली वहां से अगर अर्श छू लें वो भी नबी के ऊपर बुलंद होकर के, तो ये कौन सी फजीलत है। क्योंकि आपके दिमाग की इंतहा का नाम अर्श है, अल्लाह अकबर, आपके दिमाग और फहम के इंतहा का नाम अर्श है, इसलिए अर्श से ताबीर कर दिया। वल्ला ला यरका अलैया तैर, हम तक तो कोई अकल भी नहीं पहुंच सकती है, समझ में आया ना। तो आपकी इंतहा अर्श थी इसलिए अर्श कर दिया, वरना वहां तो ये था कि या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, अजब नहीं अली ने कहा हो। क्यों, इसलिए कि अर्श तो वो मकाम है जहां रोनते हुए रसूल अल्लाह भी निकल गए थे, तो वो तो कदमों के नीचे था, तो वो कौन सी बुलंदी है कि जिसे छू लें। अब ये पलट के कहा होगा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, तवज्जो करें आप, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के और नीचे रसूल अल्लाह के। अब मैं अपनी लफ्ज में कह सकता हूं कि फौकी रब्बी, मेरे सर के ऊपर मेरा परवरदिगार है, वह तहती सैयदुल मुरसलीन, इससे बड़ी फजीलत क्या होगी। खतीबुल इरफान और खतीब अकबर की रूह के लिए ईसाल, कि उनकी रूह शाद रहे, जो उन्होंने तरबियतें की और सिखाया वो लोगों के सामने आए, लोगों के सामने आप अंदाजा करें उनकी मेहनत जाया न जाए और अल्लाह उसका अजर उनको दे। मैं क्या बता रहा हूँ, ये आजमत है कि सिवाय खुदा के और कोई नहीं है, ऊपर अल्लाह है नीचे आप हैं, यानी ये हिमामत ऐसे हिसार में है कि रब्बानियत और रिसालत के हिसार में है, कयामत तक कोई इसे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जितनी चोटें देने वाले देते रहे रसूल सेना सिपर रहेगा, रब्बानियत बचाती रहेगी। न यकीन हो तो आज भी देख लो, अपनी आगोश में रख के बचाया हुआ है, दुनिया पहुंच नहीं पा रही है आज भी। बस ये अजमतें हैं मोहम्मद आले मोहम्मद की अजमतें, इतनी बुलंद हैं, इतनी बरतर हैं, इतनी आला हैं कि जिनका कोई मकाम नहीं है। अगर इतने फजाइल सुन लिए और दिल में बैठ गए तब अब कहा कि वो चाहिए कि हर आन हर लम्हा हर वक्त हर उसरे अशीर वक्तों में भी जो है वो इबादत होता रहे। हमने नमाज पढ़ी और बहुत पढ़ते हैं, हाँ नाफिला भी पढ़ते हैं और बहुत से नाफिले पढ़ते हैं दिन और रात सजदे में। आप जितना भी करें वाजिब पाँच ही की जाए,
वाजिब पांचे किया, और खल्क इसलिए किया कि इबादत करो, मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, खल्क इसलिए किया कि इबादत करो। और पढ़ा पांचवी मरतबा, सुबह को दो रकत, और जब उठ गए तो फिर सो गए, और फिर दोपहर में उठे तो फिर आठ रकत, चार रकत फिर उसके बाद सो गए, और फिर चार रकत असर में सो के उठे तो फिर, और फिर उसके बाद मगरिब में, और फिर शाम में, और फिर सो गए फिर सुबह में। यही एक ऐसी इबादत जो हमेशा है, और हज तो जिंदगी में एक ही दफ़ा, और उसके बाद ज़कात जो है जब होए तो, और रोज़ा जो है 30 दिन है, तो ये सब महदूद हो गए ना, ये सब महदूद हो गए ना। अब मेरे लफ्ज़ की चाशनी लेना कि मैंने कहा था ये इबादत नहीं है, समझ आया ना, ये जरिया इबादत है, वरना है तो हर लम्हा होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, हैरान होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, सोते भी हो जागते भी हो अल्लाह अकबर, सोते भी हो जागते भी हो अल्लाह अकबर। का इताअत, इताअत भी जो होती है सोने में कम हो पाती है, जागने में रहती है। अब कोई ऐसी चीज आ जाए, तवज्जो करें आप, कि इताअत परवरदिगार सोते भी होती रहे, जागते भी होती रहे, जिसके लिए पैदा किया है वो हाजत पूरी होती रहे, वो क्या चीज है बताइए जो सोते भी हो जागते भी हो हर तरह से होती जाए। उनका एक ही चीज है जिसका नाम है हुब्बु अली जन इबादा, इबादा। इसलिए कि मोहब्बत असली यही इबादत है, वो भी इनकी क्यों, असल तो ईमान, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत है। अली क्या है, रसूलुल्लाह क्या है, अल्लाह के आगे अल्लाह की मोहब्बत है। अब बोलिए आप, अल्लाह के आगे, अल्लाह के आगे अली कुछ भी नहीं, रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। अब मोहब्बत अख्तियार की सिर्फ अल्लाह की, असल इबादत यह है। जैसे आप बोलते हैं नमाज के आगे कुछ भी नहीं, तो हम तो रूहे नमाज की बात कर रहे हैं। नमाज तो जाहिरी सूरत है, रूहे नमाज हुब्बुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत, असले इबादत कर अल्लाह की मोहब्बत। अब भूले तो नहीं है आप, यहां मोहब्बत कैसे करेंगे, मोहब्बत हो ही नहीं सकती उस वक्त तक जब तक चीज सामने ना हो। या अल्लाह तवज्जो करें आप, बस खत्म है मजलिस, बस और कुछ भी नहीं, जब चीज सामने है तभी मोहब्बत, तवज्जो कर रहे हैं आप, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। रगबतु शय अला शय, यही कहा था ना, तो बात को तमाम करना है, जब चीज सामने हो खुदा सामने आ जाए, तवज्जो कर रहे हैं आप, तो खुदा नहीं रह गया। अब खुदा सामने आ नहीं सकता, मोहब्बत होनी है तो कुछ सामने हो जो खुदा की हो, तभी तो मोहब्बत होगी। तवज्जो करें आप, अब ये ढूंढिए हदीसों में कि इसी को क्यों हाईलाइट रसूलुल्लाह ने किया, इसी के लफ्ज क्यों रखी कि हुब्बु अलीयन हुब्बु अलीयन हुब्बु अलीयन, अरे इसी को क्यों, तवज्जो कर रहे हैं आप, किसी और को ले आ नहीं कहा, इसलिए कोई और अल्लाह का ना हाथ है, ना अल्लाह का पैर है, ना अल्लाह का पसलू है, ना अल्लाह का पहलू है, ना अल्लाह का नफ्स है, ना अल्लाह का चेहरा है, सिर्फ यही है ना। तो अल्लाह ने कहा यदुल्ला या अली, यदुल्ला अंता जम्बुल्ला अंता ऐनुल्ला, अब मुलाहिदा कर रहे हैं आप, सब कुछ अली, तवज्जो कर रहे हैं आप, नफ्सुल्ला सब अली, सब कुछ अली हो गए ना। अब अली की मोहब्बत असल है, यही मोहब्बत इबादत है, इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत यही इबादत है। अब इनकी मोहब्बत आई तब अल्लाह की मोहब्बत आई, तब अल्लाह की मोहब्बत के बाद सजदा आया, समझ आया ना। अब ये नमाज नमाज हुई, तवज्जो कर रहे हैं आप, अब नमाज बार बार कहता पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अरे 24 घंटे मिंबरों से चिल्लाओगे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो कितना पढ़ेंगे लोग, पहले समझाओ तो कि कैसी नमाज।
ऐसी नमाज पढ़ लो नहीं, पहले समझो फिर समझाओ, अब उसके बाद तब कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही झुक जाएगा कि ऐसी नमाज इसकी मोहब्बत में, इसकी मोहब्बत को लिया और सजदे में चला गया। खत्म कलाम है, बस बातें आती जाती रहती हैं। आप अंदाजा करें कि ये स्ट्रक्चर जो है जाहिरी है, ये स्ट्रक्चर जाहिरी है। अब जो जिसका दिल चाहे कह लेता है अपने फहम के मुताबिक, लेकिन उसको चाहिए कि सुधारना चाहिए, जहां तक पहुंचे उससे आगे वाला बताए कि यहां तक ठीक आए तुम, लेकिन थोड़ा बहके। अब शैतान तो बहकाएगा, वो कहेगा जब इन्हीं का हाथ, इन्हीं का पैर, इन्हीं का जिस्म, इन्हीं का नफ, इन्हीं का चेहरा, सब कुछ यही, तो यही खुदा हो गए। अब क्या करें, खुदा हो गए। और वो जगह जगह बता रहे हैं कि खुदा कोई और है, मैं सजदा कर रहा हूं भाई, खुदा कोई और है, मैं सजदा कर रहा हूं भैया, वक्त तमाम हो गया, मगर मैं क्या करूं। आप देखें वो कह रहा है मैं सजदा कर रहा हूं, मैं सजदा कर रहा हूं, खुदा कोई और है, मैं नहीं हूं। हाथ मेरा यदुल्ला तबारक अल्लजी बेदैहिल मुल्क, तवज्जो करें आप, तमाम कायनात की मिल्कियत उसी के हाथ में। अब अल्लाह कह रहा है मेरा हाथ ये है, अब तुम सर पटकते रहो। अल्लाह अकबर, अब तो ये कायनात का मालिक है, ये कायनात का मालिक है, बड़ी बात है, कायनात का मालिक है। अब कायनात का मालिक है तो सभी मुती हैं, जिसको भी इशारा किया इधर से उधर हो गया तो हैरत क्या है, परेशानी क्या है, उनका कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर अली ने एक इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कयामत तक के लिए, वरना कुरान था सामने, कुरान ने कहा जैसे ही पहुंचे दरबार में वैसे ही अपने अल्लाह की तारीफ में फरमाया कि अल्लाह वो है कि जो सूरज को मगरिब से मशरिक से निकालता है और मगरिब पे डुबोता है, मेरा परवरदिगार जो है याती बिशम्स मिनल मशरिक, यही है ना, मशरिक से निकालता है, फाते बेहा मिनल मगरिब। अगर आप रब्बानियत का दावा फरमाते हैं नमरूद साहब, तो आप जो हैं इसलिए कि लखनऊ में है ना, साहब भी लगाना है, हजरत भी लगाना है, आदाब के अंदर भी रहना है, वरना आप कहेंगे बदतमीज हो गए हैं, न मालूम कितने साहबों का जिक्र आ चुका है अब तक, सब साहब। तो जाहिर है कि उनका आप निकालिए, आप अगर खुदा हैं, आप अगर रब हैं, तो मेरे रब की पहचान मशरिक से निकालता है, आप निकालिए मगरिब से। फबहुत अल्लज़ी कफर, काफिर जो है मभूत हो गए, यानी कुव्वत छोड़ गई साहब, उसने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, मगर उसके बाद भी नहीं माना कि अल्लाह है, नहीं माना कि ये रसूल अल्लाह है। तवज्जो कर रहे हैं आप, तब ये ना पूछिए कि जब इतना सब फजीलत बताते हैं आप, तो फिर माना क्यों नहीं लोगों ने। अल्लाह अकबर, कहाँ हैं आप, इतनी फजीलतें आप पढ़ गए, जब इतनी सब फजीलतें हैं तो फिर माना क्यों नहीं लोगों ने, पहला क्रेडिट क्यों नहीं दिया। तवज्जो करें आप, वहां तो बता रहा है कि अगर तू निकाल ले तो तू जो है वो खुदा है, वो कहा नहीं निकाल सकते, तब तो मान लेना चाहिए कि अल्लाह है और रसूल अल्लाह है। हारने के बाद भी नहीं माना, अल्लाह अकबर, एक नहीं पच्चीसों साल हारते रहे, जिंदगी भर हारते हैं, नहीं माना। तब न पूछिए क्यों नहीं माना, तो नहीं माना जो है वो ये आपको समझा रहा है। अब देखिए आप, मगरिब से वो तो ना निकाल सका, अब मैं कहूं या हजरत इब्राहिम आप ही निकाल दीजिए, आप तो नबीउल्लाह आप ही निकाल दें, तो पलट के कहेंगे मैंने रब्बानियत का दावा कर दिया, मैंने तो रसालत का दावा किया है, उसके लिए सब कुछ तो कर रहा हूँ, रब्बानियत क्या करता तो पूछता तू, अब आप निकाला किसने, अब उसने मगरिब से निकाल दिया, इशारा किया पलट गया, मगरिब से आ गया ना, मशरिक से अल्लाह और मगरिब से ये, तो कुरानी जबान में अब तो हो गए कि नहीं हो गए। अब अगर ये बेचारे मजबूरन जिनको आप जाहिल समझते हैं, ये अगर कह रहे हैं कि मेरा परवरदिगार है, तो आप बताइए क्या गलत कर रहे हैं, इसलिए कि मगरिब से तो निकाल दिया। तवज्जो रखें आप, बस इतने ही पैगाम देने के लिए तारीख ने लिखा, और याद रखिए
हम हौजे से ताल्लुक रखते हैं। मासूम कभी मासियत नहीं कर सकता, मासूम कभी खता नहीं कर सकता। कोई नमाज अज़ा कज़ा का तसव्वुर नहीं, लिखने वाले जो चाहे लिख दें, हम उसके जिम्मेदार नहीं। उसूलों मुसल्लमात के खिलाफ नहीं जा सकते। मासूम जो है वो नहीं, इस फजीलत का मजहर रसूल अल्लाह को बनाना था। तवज्जो करें यार, ये फजीलत को मजहर बनाया। अब चूंकि इधर से कर दिया, कुरान का फैसला था कि जो इधर से निकाले वो परवरदिगार, तवज्जो करें यार, तब जाहिर इसके खिलाफ जा ना सकता था। कयामत तक कुरान की हर तरीके से तबलीग के लिए अली आए, तो कुरान का तहफ्फुज़ करना अली का काम था। इसीलिए अली ने इधर से निकालने के बाद कुरान की तरफ देखा और सर सजदे में रखा, ताकि कयामत तक दुनिया जान जाए कि मैं बंदा हूं, वो अल्लाह है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले हम। देखिए वक्त तमाम हो गया और जाहिर है कि गुंजाइश नहीं है, लिहाजा मैं यहीं पर बिला इस्तिस्ना कता करते हुए अपनी गुफ्तगू को तोड़ते हुए आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि ये सजदा अली था जिसने कुरान का तहफ्फुज़ किया, रब्बानियत को बजाया। अदीदो बहुत कुछ है अभी, लेकिन जो इरादे में था सब खाली न कर सका और न कर सकूंगा। तो अब जाहिर है कि मुझे हारना पड़ा और मैं सिवाय इसके और कुछ नहीं कह सकता कि कयामत तक इस सजदे की बुनियाद जो अली इब्न अबी तालिब ने रखी, कयामत तक के लिए इस सजदे की बुनियाद जो अली ने रखी थी, उनके बेटे हुसैन अली मकाम इसकी लाज रख ली। सिर्फ कयामत तक के लिए अब ये सजदा हुसैन के खून से इस तरीके से ताबिदा कर दिया गया है कि अब इस सजदे की लाज है कि ये सजदा बाकी रहेगा। अल्लाह इत्मीनान से अपने इस सजदे के ऊपर इत्मीनान रखता है। बस अदीजो जो सजदा हुसैन ने किया, देखिए हर एक के अपने अपने मकामात हैं और हर एक की फजीलतें जाहिर होती हैं उनके मौके पर, उनकी जगहों पर, उनके मकामात पर। हुसैन इब्ने अली अगर सजदा ऐसे करते कि हजरत अब्बास खड़े होते, तलवार उपाय होते और उसमें सजदा करते, तो वो उसकी कीमत और होती। लेकिन ऐसे मौके पर कि जब अब्बास नहीं है, अली अकबर नहीं है, कासिम नहीं है, हबीब नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा, मुस्लिम ने औसजा नहीं है, इधर उधर देखा वो नजर यमीनन व शुमाला और उसके बाद पुकारा कि मेरे शेरो किधर हो। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें कि फिर ये सजदा क्या है, फिर ये सजदे की हैसियत क्या है। बस मैंने कभी किसी वक्त कहा था और फिर कहता हूँ, ये हुसैन आली मकाम का सजदा है। अजीज़ो अली ने पलटाने के बाद जो सजदा किया, उस सजदे से सर उठा लिया था और वो सजदा करके तमाम करके उठे थे, लेकिन हुसैन का सजदा ऐसा, हुसैन ने सर सजदे में रखा है, अजीज़ो तो सर नहीं उठाया। भाई इसकी अगर नज़ाकत को आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए। अब ये कयामत तक सजदा हुसैन है, ये कहीं से मुनक़ता ना होगा, सिलसिला जारी है। अजीजो आप देखें, शरीयत में है कि अगर आप वजू करके सो जाएं और सोने से आपका वजू टूट जाता है, लेकिन हुक्म शरीयत ये है कि अगर आप सो गए बावजू और टूटा नहीं था आपका वजू, लेकिन जैसे ही सोए, सो गए जब तक ना जागेंगे, गर्चे नींद जो है वजू तोड़ देती है, लेकिन ये वजू आपका बाकी है, अल्लाह की निगाह में टूटेगा नहीं, ये बाकी है। बाकी तो ऐसे ही हुसैन का सजदा है, बस सर सजदे में रख दिया। आप अपने अख्तियार से सर सजदे में रखो और अपने अख्तियार से सर सजदे से उठा लो, ये एक सजदा हो गया तुम्हारा।
लेकिन हुसैन का वो सजदा है कि अपने अख्तियार से सर सजदे में रखा है, अख्तियार से उठा नहीं सके, बाजीज़ उठा न सके। अब जब सर से सजदा उठेगा, जब सर उठेगा तभी ये सजदा कामिल होगा। बाजीदा ने गिरानी मगर उठा कब, किस मौके पे उठा? बात देखे हैं भाई, यहाँ पर एक मरतबा भाई याद आया और जैसे ही शमर ने खंजर रखा आपने आवाज दिया, ए अब्बा अरे दौड़ो, शमर खंजर चला रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजो मैंने दो मंजर ऐसे देखे हैं, मेरी तबीयत तो फितरत ये कह रही है कि मैं ऐसे मंजर भर ले आऊं कि दोनों भाइयों को इजाले सवाब हो दोनों भाइयों के जरिए से। अजीजो जैसे ही हाथ लगाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जैसे ही हाथ लगाया आँख बंद हो चुकी थी। आप जानते हैं क्या हुआ था? आँख में मोतबर मकातिल ये लिखते हैं कि एक आँख में तीन तीर थे और एक में चार तीर थे। हुसैन ने निकाला अब्बास की आंखों से तीर और खून साफ किया तो आंख खोला था और फिर आंख बंद कर लिया था, आंख बंद किए थे। जैसे ही हाथ मैयत में लगाया आंख खुल गई और पूछा आका इरादा क्या है? कहा मेरे भाई अब मैं तुम्हें खैमे तक ले जाऊंगा, इसलिए कि हर शहीद को लेकर जाता था। अल्लाह अकबर, मोहब्बत भाई की मुलाहजा करें आप, अपने भाई को सीने से लगाना। बाजीजो हुसैन 57 साल के थे और सुबह से मैयतें उठा रहे थे, कमर झुक चुकी थी और आपके आंखों का हाल अजीब था, सीने में कलेजा तपक रहा था। बाजीदा ने गिरानी एक मरतबा जैसे ही उठाना चाहा आपने पूछा इरादा क्या है? कहा खैमे तक ले जाऊंगा। कहा मेरे आका आपको आपके माँ की कसम है कि आप इसे खैमा न ले जाइएगा। बाजीदा ने गिरानी आपको मुझे आपको मेरे आपकी माँ की कसम है कि मुझे खैमा न ले जाइएगा। मैं कहूँगा हजरत जाने दीजिए, इसलिए कि सबकी मैयत गई है, आपकी भी मैयत चली जाए। और अब अगर सोचूँ तो शायद इसलिए होगा कि इमाम हुसैन 57 साल के हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इस मैयत को उठाएंगे कैसे? वाजीजो कैसे उठाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, इसलिए कहा होगा। अजब नहीं अब्बास की तरफ से आवाज आए कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि आंखें देख रही हैं, अभी इसके बाद 18 बरस की मैयत उठाएंगे, 18 बरस की मैयत उठाएंगे और आस्तीने चढ़ा के उठाएंगे और जाके ले ना पाएंगे, चंद कदम के बाद रखेंगे, पुकारेंगे ऐ बनी हाशिम के बच्चों आओ आओ अपने जवान की मैयत उठा लो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ीज़ा ने गिरामी बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि मरने वाले मरहूम बहुत थोड़ा मसाइब पढ़ते थे, मगर उसी में गिरिया आपका गिरिया बुलंद हो गया। अजीज़ो जब कहा आपको कसम है आप न ले जाइए तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा भैया क्यों? कहा मेरे भाई मैं बस बहुत सी बातें लिखी है मकातिल ने, अरबाब मकातिल ने मालूम कितनी वजहें लिखी हैं, लेकिन उसमें आखिरी वजह ये है। फरमाया मेरे भाई मैं जब चला था तो सकीना से वादा किया था, ए मेरे भाई सकीना से वादा किया था, अब मुझे न ले जाइए, हया आती है, शर्मिंदा हूं, सकीना को मुंह कैसे दिखाऊं। बाजी तो मैं इतना कहूंगा कि क्या सकीना को मुंह दिखाने अब्बास न जाएंगे और हुसैन न ले जाएंगे तो क्या सकीना न आएंगे? क्या सकीना ना आएंगे? अजीजो आएंगे मगर कब? उस वक्त जब खेमे में आग लगेगी, दामन जल्ला होगा तो आवाज देंगी ए चाचा अरे दौड़िए जालिमों ने आग लगा दी, ए चाचा दौड़िए जालिमों ने आग लगा दी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस अजीजो ये मजलिस तमाम हो गई, सिर्फ दो फिक्र है, ये दो जाते हैं। आज 5 साल से आप मुसलसल देखिए, याद रखिए तमाम जितने भी आमाल और नेकियां आप अपने मरहूम के लिए करते रहिए, उन सारी नेकियों को अगर समेट दीजिए तो एक नेकी अदाय सैयद शहदा में सिमट जाती है। हुसैन का गम बर्पा कीजिए,
सारा सवाब मिलेगा। अजीजो इमाम सादिक का फरमान है, बस अजीजो खत्म किया, ये मुसलसल मजलिसे बर्पा कर रहे हैं, इसाले सवाब कर रहे हैं अपने बाप की याद में, मगर याद किसको कर रहे हैं? बाप को नहीं, हुसैन को, जिसको बाप भी याद करता था, दादा भी याद करता था, नसलन बादा नसलन। अजीजान गिरामी, आप अंदाजा याद करें कि ये वो जात है, नजर यमीनन व शुमाला, एक मर्तबा इधर देखा उधर पुकारा बाप, दौड़ो भाई से बाहोरा है। अजीज कोई न था जो मदद के लिए आता, एक बहन थी जो कभी टिल्ले ज़ैनबी है और कभी खैमे में, एक मर्तबा हसरत से देखा पुकारा, नाना आइए आप आ जाइए, कोई जवाब ना आया, आवाज़ दिया अम्मा आप आ जाइए, कोई जवाब ना आया, पुकारा बाबा नजब से आइए, कोई जवाब ना आया। एक मर्तबा घबराया काजुल जना, अरे तू ही मददगार है, मेरा भाई तनहा है। अजीजो एक फिक्रा मक्तल में मिला कि एक मर्तबा पिछड़े साथ को देख के गैरत दिलाई कि तू खड़ा देख रहा है और मेरा मजाया जिबा हो रहा है। अजीजो यहाँ पे मैं खत्म कर देता, लेकिन एक जुमला मिला कि जैनब की फरियाद की सदाएं जब कान में जाने लगी तो एक मर्तबा हुसैन ने सर हिला के शमर से पूछा, शेमर ये बता मैं कहाँ हूँ? ए शेमर क्या मैं बुलंदी पे हूँ? कहा मौला हाँ। शेमर ने जैसे ही कहा हाँ, कहा मुझे नशे पे ले चल, मेरी बहन न देख सकेगी। अरे अजीजो लिखा है, अब कैसे ले गया मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मौला अरे करवटें लिया, जालिम का खंजर चला, एक आवाज अला कुतल हुसैन बे करबला, अला ज़िबाल हुसैन बे करबला। बाजी जो आवाज कहना था, ज़ैनब खैमे से बाहर आवाज दिया, ए खैया ए मेरे भाई, माँ ने नाजों से पाला था। सलाम अल्लज़ीन ज़लमू अन क़ल्बुहुम मिन क़ल्बि, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका बिहक़्क़ फ़ातिमा व अबीहा व वालिहा व बनीहा व सर्र अल-मुस्तौदिअ फ़ीहा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, बारे रहा तुझे वास्ता है मुहम्मद व आलि मुहम्मद के माबूद, गुनाहान कबीरा व सग़ीरा आफ़ फ़रमा, नेक आमाल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा, तुझे वास्ता है मुहम्मद व आलि मुहम्मद की इस इबादत को कबूल फ़रमा, जहाँ जहाँ भी महबान आल मोहम्मद उनको हिफ्ज़ अमान में रख, रोज़ा मुक़दस की हिफाजत फरमा, बार इन मरहूमिन के रूह को जवार मासूम में ख़ास तौर से जगह इनायत फरमा, तमाम मरने वाले मरहूमिन जो महबान आल मोहम्मद से, उनको भी जवार मासूम इनायत फरमा, तमाम मरीज़ों को शफा इनायत फरमा, जिन जिन लोगों ने दवाओं के लिए कहा उन सब के हवाइश को भर ला, बार तुझे वास्ता है मोहम्मद आल मोहम्मद, हमारे आका और मौला नेमत वली हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम को ज़हूर जल्द अज़ल फरमा, उनके असहाब व अंसार में शुमार फरमा, तमाम उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी दुआ बिहक़ मुहम्मद व आलिह ताहिरीन। आप सभी हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द, तीन मरतबा सूरह कुल्लाह की तलावत फरमा करके इन दोनों मरहूमिन की रूह को ख़तीब अकबर और ख़तीब अल-इरफ़ान की अरवाह को बख्श दीजिए।